नमस्कार, देव स्पोर्ट्स में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ एस के देवनाथ। आज देव स्पोर्ट्स में चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स कोटा जॉब जो साउथ ईस्टर्न रेलवे से निकल कर आया है, इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। इस साल का सुनहरा मौका मिला है जो स्पोर्ट्स क्राइटेरिया जिसका फुलफिल है उनको सीधा नौकरी मिल जाएगा। चलिए चर्चा करने की कोशिश करते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, पर्सनल ऑफिस गार्डन ग्रिज कोलकाता से आया है। ये एक नोटिफिकेशन है, ये ऑफलाइन फॉर्म है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। ये 2024-25 का जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट होता है ये सब के लिए ओपन एडवर्टाइजमेंट है। ओपनिंग डेट चालू हो गया है 20/7/2024 से, चलेगा 19/8/2024 शाम 6 बजे तक चलेगा आपका जो ऑफलाइन जो फॉर्म है जो इंडियन पोस्ट ऑफिस से जाएगा, स्पीड पोस्ट में भी आप भेज सकते हैं। चलिए एक के बाद एक ये कोशिश करते हैं। देखिए जहां 29/8/2024 तक फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम जम्मू कश्मीर लद्दाख स्प्लिट डिस्ट्रिक्ट एंड पिक सब डिवीजन आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप जो जगह है वहाँ से 29/8 तक को आप भेज सकते हैं। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन्स हु आर इंडियन नेशनल्स फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोठा ओपन एडवर्टाइजमेंट 2024-25 इन साउथ ईस्टर्न रेलवे फॉर द वैकेंसीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस ब्लो। देखिए यहाँ दो कैटेगरी का है, ग्रुप सी का है, ग्रुप डी का है। ग्रुप सी का लेवल 2 और लेवल 3, इसमें 16 पोस्ट है और ग्रुप डी का है 33 पोस्ट है। तो इस डिटेल्स ऑफ एनी ऑफ द लेवल 2 और 3 पोस्ट एनी ऑफ यूनिट ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे आर एनी वन लेवल 1 पोस्ट आर यूनिट ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे टीम्स एंड एनेक्स ए फॉर RBE नंबर 52/2012 अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। चलिए तो कौन सा पोस्ट है और कौन सा इवेंट रहने से आप अप्लाई कर पाएंगे। एट फर्स्ट है एथलेटिक्स का मेन जिसका 300 मीटर ट्रिपल चॉइस है, उसके साथ 100 मीटर हडल्स, अगर 500 मीटर रन है 5000 मीटर रन, 100 मीटर 200 मीटर का एक पोस्ट है। ग्रेड थ्री का जो लेवल वन का कोई पोस्ट नहीं है, लेवल 2 ग्रुप सी का पोस्ट है जिसका 1900 से 2000 रुपया आपका ग्रेड पे मिलेगा। डिस्कस थ्रो एक है और 400 मीटर 800 मीटर उसके साथ है, किसी एक में आप भाग ले सकते हैं। हेमा थ्रो ऑब्लिक 1500 मीटर रन, लॉन्ग जंप, पोल वॉल्ट, शॉर्ट पुट थ्रो एक एक पोस्ट है। बॉक्सिंग 48 kg और 54 kg का एक पोस्ट है। 63.5 kg और 80 kg 92 kg का एक पोस्ट है। बॉडी बिल्डिंग में 65 kg का एक पोस्ट है, 85 kg का एक पोस्ट है, 100 अभाव का एक पोस्ट है। चेस में इंडिविजुअल का दो पोस्ट है और क्रिकेट में सारा पोस्ट जो है सब बैट्समैन है, ओपनर बैट्समैन मिडिल ऑर्डर, स्प्रिन बॉलर ऑलराउंडर, स्पेस बॉलर ऑलराउंडर, स्पेस बॉलर, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर एक एक पोस्ट है। फुटबॉल का गोलकीपर का एक पोस्ट है, स्टॉपर का एक पोस्ट है, विनर का एक पोस्ट है, फॉरवर्ड का एक पोस्ट है, राइफल शूटिंग का एक पोस्ट है, 50 मीटर राइफल शूटिंग,
स्विमिंग का 50, 100, 200, 400, 800, 1500 मीटर का फ्री स्टाइल का एक पोस्ट है। गोल्फ का इंडिविजुअल का एक पोस्ट है। एथलेट जिम्नास्टिक्स का वोमेन के लिए है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के लिए दो पोस्ट है। हॉकी का गोलकीपर के लिए और फॉरवर्ड के लिए एक एक दो पोस्ट है। हॉकी का वोमेन के लिए डिफेंडर फॉरवर्ड गोलकीपर का टोटल 6 पोस्ट है। कबड्डी का राइट कवर का एक, लेफ्ट कवर एक, लेफ्ट कॉर्नर ऑलराउंडर का एक पोस्ट है। पावर लिफ्टिंग 74 kg का एक पोस्ट है। पावर लिफ्टिंग 84 kg का एक पोस्ट है। वॉलीबॉल का सेंटर बॉलर एक पोस्ट है। सेंटर अटैकर का एक पोस्ट है। लिब्रो का 2 पोस्ट है। वॉलीबॉल का मीन के लिए सेंटर बॉलर एक पोस्ट, अटैकर एक पोस्ट, स्लॉटर एक पोस्ट। उसके बाद आता है वाटर प्लो का लाइन का 2 पोस्ट है और गोलकीपर का 1 पोस्ट है। टोटल देखिए यहाँ देखिए टोटल 33 पोस्ट है और ये 16 पोस्ट है। 33 और 16 पोस्ट है। इसमें SC ST OBC का कोई छूट नहीं मिलेगा। छूट मिलेगा ऑनली फॉर आपका जो फीस देना है, फीस में आपको छूट मिलेगा। आपका उम्र कितना होना है? 18 साल से 25 साल के अंदर आपको होना है। 1/1/2025 में आपसे वही डेट से आपको गणना किया जाएगा। ये अगर आपका उम्र 2/1/2000 से लेकर 1/1/2007 के बीच आज का आपका जन्म तिथि है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका लेवल 3/2 का जो आपको क्या क्या होना है, क्या क्या रहेगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आप अगर आप रिप्रेजेंट इन कंट्री चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जूनियर सीनियर कैटेगरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स अगर, और नहीं तो थर्ड पोजीशन अगर आपको चैम्पियनशिप में मिलता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, जूनियर सीनियर कैटेगरी, एशियन गेम्स, एशियन जूनियर्स, जूनियर सीनियर कैटेगरी में, साउथ ईस्टर्न, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में, USIC वर्ल्ड रेलवे चैम्पियनशिप्स में आपको अगर मिलता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास थर्ड पोजीशन सीनियर यूथ जूनियर नेशनल का कोई भी मेडल है थर्ड पोजीशन का तो चलेगा। उसके बाद अगर आपको पास अगर थर्ड पोजीशन नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा जो नेशनल गेम्स होता है उसमें अगर आप थर्ड पोजीशन है तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर आपके पास अगर थर्ड पोजीशन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का जो खेल होता है उसमें अगर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में थर्ड पोजीशन किसी भी गेम में है तो आप इसमें भर सकते हैं। नहीं तो अगर आप फर्स्ट पोजीशन फेडरेशन कप में है तो सीनियर कैटेगरी में तो आप भर सकते हैं। ये 12 पेज का एक PDF है। इसमें देखा गया है हॉकी का, हॉकी मेन वुमेन के लिए 1800 रुपया ग्रेड पे है और इंटरनेशनल लेवल के लिए आपको टोटल सैलरी मिलेगा 5200 से लेकर 20200 रुपया। इसके साथ और भी जुड़ेगा तो हॉकी के लिए भी ऐसा ही है, 1800 रुपया नेशनल सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप कंसीडर किया है तो 1800 रुपया पेमेंट आपको 5200 से लेकर 20200 मिलेगा सैलरी। एथलेटिक के लिए भी वही है, 5200 के लिए 5200 से लेकर 20200 ग्रेड पे रहेगा आपका 1900 से 2000। गोल्ड मेडल विनर इन ओपन नेशनल चैम्पियनशिप सीनियर कैटेगरी एथलेटिक चैम्पियनशिप में अगर आपका पोजीशन है तो आपको ग्रेड टू लेवल 2 और 3 में मिलेगा। इसमें देखिए जे द इम्पोर्टेंस द एप्लीकेशन मस्ट हैव द क्रेडिट द अचीवमेंट मेंशंस ऑफ द अबव आफ्टर 2022 से लेकर 2024 तक। अगर आपका 2022 से लेकर 2024 तक आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वही मान्यता दिया जाएगा। 2024 से आगे का सर्टिफिकेट जैसे 21, 20, 19 का अगर सर्टिफिकेट है तो ये नहीं चलेगा। चलेगा क्या 2022, 23, 24 ये 3 साल का सर्टिफिकेट आपका चलेगा। इसमें कुछ नोटिस दिया गया है बॉक्सिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, चेस के लिए, राइफल शूटिंग के लिए, पावर लिफ्टिंग के लिए, स्पोर्ट्स नॉर्म्स ऑफ लेवल के लिए जो दिया गया है। स्पोर्ट्स नॉर्म्स लेवल 1 के लिए क्या क्या आप अगर आपके पास ये कोई किसी भी खेल में अगर
आपको ये पोजीशन मिलता है तो आप इसमें भर सकते हैं। बी का जो है लास्ट पोजीशन इंस फेडरेशन का सीनियर कैटेगरी थर्ड पोजीशन अगर है तो आप इसमें भर सकते हैं। आप रिप्रेजेंट ए स्टेट इक्वालिटी यूनिटरी टेरिटरी से आपका अगर मैराथन बा क्रॉस कंट्री लास्ट 8 पोजीशन आपको मिला है तो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में आप इसमें भर सकते हैं। क्रिकेट के लिए कुछ दिया गया है, जो लोग क्रिकेट कैटेगरी का है एक बार कृपा करके देख लीजिएगा। गोल्फ हॉकी मेन वॉलीबॉल मेन वोमेन के लिए जो दिया गया है एक बार कृपा करके देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज ऑफ द RSPB जो इसमें जो RSPB का जो होता है खेल उसके अंदर जो एथलेटिक बॉक्सिंग बॉडी बिल्डिंग चेस इसका अंडर 20, 17, 18, अंडर 21 जूनियर नेशनल सीनियर नेशनल सब दिया गया है। एक बार जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं वुमेन जिमनास्ट के लिए है जो नेशनल जिमनास्टिक एसोसिएशन चैम्पियनशिप में जो सीनियर नेशनल होता है और जूनियर नेशनल होता है अगर अंडर 15 में अगर आपको कोई पदक मिला है तो इसमें आप भर सकते हैं। तो ऐसा ही वॉलीबॉल में है वाटर पोलो में है। आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आपका 12 पास होना है लेवल वन के लिए, लेवल टू और थ्री के लिए 12 पास होना है। किसी भी बोर्ड से आप होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 12 नहीं है 10 पास है तो आपके पास ITI पास होना ज़रूरी है। और लेवल वन के लिए आपका पास ITI पास नहीं तो क्लास 10 पास करने से आप इसमें भर सकते हैं। इसमें नो रिलैक्सेशन मिनिमम एडुकेशन क्वालिफिकेशन इन सेल बी द पॉसिबल, आपके इसमें कोई छूट नहीं मिलेगा। अगर कोई 8 पास है तो इसमें भर नहीं सकेगा, 9 पास है वो भर नहीं सकेगा इसमें कोई। आपको कैसे एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन करना है तो इंडियन पोस्ट ऑफिस से आपको एप्लीकेशन करना है। तो इसमें आपको IPO लगेगा, बैंक ऑफ बैंक ड्राफ्ट और IPO जो इंडियन पोस्ट ऑफिस से मिलता है और बैंक से मिलता है किसी एक में आप ले सकते हैं। इसमें कैंडिडेट जनरल और OBC के लिए 500 रुपया देना है और SC ST और वुमेंस के लिए डिसेबिलिटी के लिए तो 250 रुपया आपको IPO नहीं तो बैंक डिमांड ड्राफ्ट खरीदना है। तो उसमें आपको क्या लिखना है, बीमा बैंक में व IPO में आपको लिखना है FA and CAO साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन ग्रिज 700 700 43 पेबल एट GPO कोलकाता, ये लिखना है, ये जरूर लिखना है नहीं तो आपका वो मान्यता नहीं दिया जाएगा। इसके साथ कुछ है जो लोग एप्लीकेशन करेंगे तो अच्छा करके पढ़ लीजिएगा। आपको ये PDF मिलेगा www.rrcser.co.in और नहीं तो मेरा पास भी है, अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपको भेज सकते हैं। तो मेरा WhatsApp नंबर में आपको हाई लिखना है, हम भेज देंगे। कौन सा PDF चाहिए एक बार लिख देना है। आपको जो फोटोग्राफ लगेगा उसमें आपका साइन होना ज़रूरी है। फ़ोटो का जो साइज़ है 4 cm × 5 cm के अंदर ही रहना है, ये भी 3 महीना से पुराना नहीं चलेगा, करंट फोटोग्राफ लगेगा आपको। इसके साथ आपको एप्लीकेशन के लिए प्रिंट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको आपको भरना है, भरने के बाद एक खाम के अंदर भर देना है, भर के आपको भेजना है, डिमांड ड्राफ्ट भी उसके साथ भेज देना है और आपका जितना डॉक्यूमेंट्स है सब डॉक्यूमेंट्स उसके साथ दे देना है। चलिए नो ऑब्जेक्शन, जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का बा स्टेट गवर्नमेंट का नौकरी करते हैं उसके लिए लगेगा। आपको पैसा का छूट के लिए SC ST OBC का सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करना है। उसके बाद आपको एड्रेस कहाँ है आप जाके ड्रॉप बॉक्स में भी भर सकते दे सकते हैं और नहीं तो जो ये एड्रेस है इस एड्रेस में आपको भरना है, भेजना है। द चेयरमैन इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट सेल न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग 6th फ्लोर गार्डन ग्रिज कोलकाता 700 43 और ड्रॉप बॉक्स हैज़ बीन आल्सो बीन रिसीव RRC ऑफिस बिल्डिंग ड्रॉपिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। और उस जो आप जो
खाम लेंगे ना, उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन अगेंस्ट द स्पोर्ट्स कोटा ओपन एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट 2024-25। आपको किस में भरना है, लेवल वन और लेवल टू और लेवल थ्री जिसमें है तो उसके ऊपर आपको लिख देना है, नहीं तो ट्रिक चिन्ह देना है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या होगा, इसमें दिया गया है आपको जो 40 नंबर का स्किल टेस्ट होगा, आपको जितना एयरफोर्स अचीवमेंट का सर्टिफिकेट है उसमें आपको 50 नंबर रहेगा, जो ये 50 नंबर आपके अचीवमेंट के लिए, ये 40 नंबर जो है 40 नंबर, इसमें हम आपको 25 पाना है तो आप पास करेंगे। गेम स्किल दिखेगा आपका जो मेजर गेम है, उसके बाद आपको फिटनेस चेक करेगा, उसके बाद आपको ट्रायल दिया जाएगा, उसमें आपको 25 नंबर लेकर आना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 10 नंबर है, टोटल 100 नंबर का आपको टेस्ट होगा, उसके अंदर आपको 65 लेकर आएंगे तो आप जिसका ग्रेड पे 1900 से लेकर 2000 तो उसको 65 लेना है, और जिसका 1800 ग्रेड पे है उसको 60 लेना है। इसके ऊपर अगर लेंगे तो आपको मेरिट में आने का संभावना है, जितना ऊपर जाएंगे 100 के करीब जाएंगे तो आपको उतना जल्दी नौकरी मिलने का चांस रहेगा। और इसमें 6 नंबर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आप एक बार कृपा करके देख लीजिएगा कब कैसे क्या भरना है आपको। उसके बाद आता है आपका फॉर्म, यही है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। ये आपको प्रिंट आउट करके ब्लैक और ब्लू पेन से भर देना है। भरने के बाद आपको पोस्ट कर देना है। अगर आपका पास नहीं है तो साइड में जाकर आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, नहीं तो मेरा पास है, आप मंगा सकते हैं। यही था आज का पूरा वीडियो, जो साउथ ईस्टर्न रेलवे से कोलकाता से, गार्डन ब्रिज कोलकाता से आया है, जिसमें 33 और 16 पोस्ट है टोटल, लेवल वन और लेवल थ्री का, टू और थ्री का, जिसका लास्ट डेट है 19 अगस्त 2024 शाम 6 बजे तक। यही था पूरा आज का जानकारी। अगला आ रहा है चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी से बहुत सारा लड़का को फुटबॉल ट्रायल के लिए बुलाया जा रहा है, उसके ऊपर वीडियो बनेगा। जो लोग नया है सब्सक्राइब कीजिए ऐसा वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।